अगली खबर हिसार से है, जहां हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कार्यकर्ता सम्मेलन से पहले पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। कुमारी शैलजा ने कहा कि विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और जल्द ही चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आम जन बेहद परेशान है। कानून व्यवस्था से लेकर आर्थिक मंदी किसी न किसी तरीके से जनता को प्रभावित कर रही है। प्रदेश में नए रोजगार के अवसर तो नहीं उत्पन्न हुए, लेकिन लोगों की पुरानी नौकरियां भी जा चुकी हैं। कुमारी शैलजा ने कहा कि जनता का साथ लेकर प्रदेश में कांग्रेस की अगली सरकार बनाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी झूठे वादे जनता के साथ नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में प्रत्येक वर्ग से सुझाव लेगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिसार के कार्यक्रम में स्थानीय नेता कुलदीप बिश्नोई व अन्य नेताओं के ना आने की संभावनाओं को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कुमारी शैलजा ने कहा कि सभी अपने अपने के तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन सभी नेता पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के युद्ध के मैदान में कांग्रेस की तरफ से घोड़े बदले जाने के बयान को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की सांस्कृतिक और धरोहर को संभालने की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन उनकी वाणी कटुता लाती है। उन्होंने कहा कि उनका आचरण दुनिया के सामने है। भारतीय जनता पार्टी की बात, पार्टी ने जो घोषणा पत्र लागू किया कोई वायदा पूरा नहीं किया। कहते कुछ है सत्ता में आने के लिए, लेकिन सत्ता में आने के बाद 5 साल आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी भी नागरिक से, कोई भी संतुष्ट नहीं, केवल हवाबाजी है। अलग अलग नारे देते हैं, लेकिन इस चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, कट्टर जी से जवाब मांगती है। कांग्रेस पार्टी सभी लोग हमारे वर्कर पूरी तरह से तैयार है। 5 साल के संघर्ष को कम से कम होता जा रहा है, तो नए रोजगार तो दूर की बात, लोगों की तो पुरानी भी नौकरियां छूटती चली जा रही। मुद्दे और भी बहुत हैं और हम उन सब को लोगों के सामने उठाएंगे, लोगों तक लेकर जाएंगे। और हमें पूरा पूरा विश्वास है कि हरियाणा की जनता इस बात के लिए जो वो तत्पर है, कांग्रेस पार्टी का साथ है। अगली सरकार कांग्रेस पार्टी बनाएगी लोगों का साथ लेकर। कांग्रेस ने कभी झूठ नहीं बोला है, झूठे वायदे नहीं किए हैं। हम लोगों के जो सुझाव हैं उनको लेकर अपना घोषणा पत्र बनाएंगे, उनके सुझाव लेंगे, हर एक वर्ग के सुझाव लेंगे। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे हमारा घोषणा पत्र भी बताएगा कि 5 साल आगे आने वाली कांग्रेस सरकार प्रदेश के लिए, हर वर्ग के लिए क्या करेगी, क्योंकि हर वर्ग दुखी है। कर्मचारियों को भी देखो, जहाँ जाते हैं हम, कर्मचारी हड़ताल पर हैं, लाठी चार्ज होता है, कोई भी चीज़ इनके राज में ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार जो दुहाई देते थे ईमानदारी की, आज भ्रष्टाचार आप देख लीजिए हर जगह, हर नौकरी में। जो इनका जो SSC बोर्ड है, उनके मुखिया तक को पकड़ा गया, लेकिन साथ ही साथ बहाल करके वापस उसी पोस्ट पर रखा गया। तो ये तो इनकी मिसाल है इनके ईमानदारी की। पेपर सरेआम लीक हो जाते हैं, नौकरियों में सरेआम भ्रष्टाचार है। डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने अपने पार्टी के लोग बिठा रखे, तो हर तरह से इन्होंने सारे सिस्टम को बिगाड़ दिया है। हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की, हम इन सब चीज़ों को और सी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें
हम सब बातों को दुरुस्त करेंगे और एक अच्छी सरकार लोगों के सामने लेकर आए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।